हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्लास का भी जो बेस बहुत ही ज़रूरी है हमारी, जो मैथमेटिक्स का, तो इसलिए हमने ये ख़ास तौर पे हमारे नाइन्थ क्लास के जो विद्यार्थियों के लिए है, हमारे दोस्तों के लिए है, नाइन्थ क्लास की जो वीडियो बनाई है, जो कि चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उस पर डिपेंड है ये चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रिमे संख्या। हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही मीडियम में आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ हमारे साथी इंग्लिश मीडियम ले रखा है कुछ साथियों ने, और कुछ ने हिंदी मीडियम, और सभी की इसमें हेल्प हो जाए। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम दोनों ही लैंग्वेज है वो यूज़ करें। तो वो रैशनल नंबर को बोलते प्रिमेय संख्या, वो होती क्या है, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ क्यू बाई पी फॉर्म, सॉरी पी अपॉन क्यू फॉर्म, दोज नंबर विच आर इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर P, Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण लें, एक एग्जाम्पल लें, तो जैसे हमने लिखता है दोस्तों P अपॉन Q 5 अपॉन 6, यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 5 और Q हमारा कितना 6, तो ये P अपॉन Q फॉर्म है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मतलब ये है हमारी एक प्रिमेय संख्या। ऐसे ही हम और एग्जांपल लें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में -3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने बोला पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स, और इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे आते हैं, जो हमारी संख्या रेखा ऊपर जो संख्याएँ आती हैं वो होती हैं हमारी पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं, उसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं और जीरो भी आता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और एग्जांपल लिखने की कोशिश करें, जैसे हम लिखा 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर है, तो कई बच्चे इसको कहते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि कहते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, क्यू इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें क्यू नहीं तो नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1, तो 5/1, पी हमारा यहाँ पे 5 है और क्यू हमारा कितना 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, प्रिमेय संख्या है। -4, तो -4/1, ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। और अगर हम लिखते हैं 0, तो 0 भी रैशनल नंबर है या नहीं, यस बिल्कुल है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि हमने कहा कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन P तो 0 हो सकता है दोस्तों, तो Q हमारे यहाँ पे है 1। तो ये सारे हमारे क्या है, जितने भी हमारे नंबर हमने अभी लिखे एग्जाम्पल, सारे क्या हमारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं कि 1/0, अगर ऐसे लिखते हैं, तो अगर देखें इसमें P क्या है, P हमारा 1 है और Q हमारा क्या है 0, लेकिन हमने डेफिनेशन में बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें Q की वैल्यू 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमें यह पहचान हुई कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको हमने एक बेसिक चीज़ बताई है कि रैशनल नंबर, प्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई भी दो प्रिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में आपने कुछ प्रिमेय संख्या निकालनी है, 4 प्रिमेय संख्याएं, 5, 6, कुछ भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि आपके पास दो प्रिमेय संख्याएं हैं 4 और 5, तो इनके बीच में क्या निकालना, फाइंड
सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन फोर एंड फाइव, ये दो संख्याएं हमने ली, तो फाइंड सिक्स रैशनल नंबर, चार और पांच के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछते कि छह परिमेय संख्याएं, अभी अभी आपको बताया हमने कि फोर भी एक परिमेय संख्या, फोर अपॉन वन लिख सकते हैं, और फाइव भी परिमेय संख्या है, फाइव अपॉन में वन लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बात ये करते हैं कि आप, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने कहा कि छह परिमेय संख्याएं, पांच परिमेय संख्याएं, तो मैक्सिमम कितनी पूछी जा सकती हैं? देखो, और मैक्सिमम होती कितनी है, एक ये भी क्वेश्चन आता है, अभी मैक्सिमम कितनी हो सकती है अगर आपसे पूछे, तो पहली बात तो यह कि आपसे पूछी कितनी जा सकती है, चार पाँच छः पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछते, ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं देते, क्योंकि इससे लेंथी पेपर हो जाता है आपका, तो चार पाँच छः तक ये पूछ लेते हैं, मैक्सिमम सात पूछ लिया आपसे, इससे ऊपर चांसेस कम हैं। अब बात यह आई कि दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम इनफाइनाइट मैनी, अनगिनत, अनकाउंटेबल जो परिमेय संख्या है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पूछी सिक्स, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितनी संख्याएं आपसे पूछी उस पर ध्यान दो, छह संख्याएं पूछी हैं, तो आपको क्या करना कि जितनी भी संख्याएं पूछी हैं उससे एक बड़ा नंबर लो, उससे बड़ा नंबर क्या है, सेवन। तो आपने क्या करना है, इसको सेवन से मल्टीप्लाई और सेवन से क्या करना है, डिवाइड। और ये काम क्यों करते हैं दोस्तों, ये इसलिए करते हैं जब इसको सोल्व करेंगे, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, सेवन वन जा सेवन, तो ये न्यूमिनेटर, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर। एक स्टेप और करते हैं, आपको सब समझ में आएगा अभी, फाइव अपॉन वन, सेवन से मल्टीप्लाई और सेवन से ही डिवाइड, फाइव सेवन जा कितना होगा, ये हुआ थर्टी फाइव और ये सेवन। आप ध्यान से देखें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आपको दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये संख्या आपके पास है 28 बाय 7 और ये है आपके पास 35 बाय 7। तो अगर सोल्व करें, देखो ना, 7 4 जा और 7 5 जा, ये 4 और 5 वही नंबर है, बस इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख दिया, दूसरे रूप में लिख दिया इसको हमने। इससे अगला नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा 29 बाय 7, इससे अगला क्या आएगा 30 बाय 7, इससे नेक्स्ट 31 बाय 7, 32 बाय 7, 33 बाय 7 और ये आएगा 34 बाय 7, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में छह परिमेय संख्याएं फाइंड कर दी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि न्यूमिनेटर को आपने इक्वल करना है। इस प्रकार से आपको कोई भी नंबर दिया जाए, 3 4 दे दे, 5 6 दे दे, 7 8 दे दे, कोई भी नंबर दे दे, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी जो हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। अभी आपसे एक क्वेश्चन अगर हम और पूछते हैं कि एक थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम और देखते हैं थोड़ी सी इससे, जो जैसे आपको नंबर दिया 4 और 5, अब जो नंबर आपको देते हैं पहले ही नंबर आपको ये देते हैं कि जो फ्रैक्शन में हों, जैसे 4/2 एंड 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में, और इसमें कह दें कि इनके बीच में छह परिमेय संख्याएं निकालिए, छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अभी दोस्तों वही काम करना जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि जितने नंबर निकालने हैं उससे एक बड़ा नंबर लो, सेवन। अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 1/4 सेवन से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई सेवन से करते हैं, 7/28 इसको करते हैं भाई, 7/14, ये तो आपके हमने देखा कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आए, तो इसको थोड़ा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तो ध्यान से देखना दोस्तों, 1/4 और हमने लिया 1/2, अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आया, 4 4 1 जा 4, ये कितना है दोस्तों, यह है हमारा 1, 2 2 जा 4, ये कितना है हमारा 2। तो अगर इसको जैसे हम एलसीएम या सोल्व किया तो इसको हम लिख सकते हैं
वन बाय फोर और इसको लिख सकते हैं टू बाय फोर। अगर हम ध्यान से देखें कि टू बाई फोर को अगर सोल्व करेंगे तो वही वन बाई टू आएगा, तो वन बाई फोर और टू बाई फोर ये इसमें डिनोमिनेटर आपके इक्वल हो गए हैं। लेकिन अभी एक काम बाकी है, क्योंकि अगर वन बाई फोर से आगे हम क्या लिखें, अगला नंबर तो आएगा नहीं, हमें तो छः नंबर निकालने हैं। तो अब आप वही काम करिए, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। अब आपको छः संख्याएं निकालने के बीच में छः रेशनल नंबर, तो छः से बड़ा नंबर क्या होता है आपका सात। तो आप क्या करेंगे, वन बाई फोर इसको सेवन से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, और ऐसे ही दोस्तों इसको भी टू बाई फोर है सेवन से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो सेवन वन जा सेवन और ये वह सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन अपॉन में ट्वेंटी एट, और ऐसे ही हम करेंगे इसको सेवन टू जा फोर्टीन और फोर सेवन जा ट्वेंटी एट। ये नंबर आपने फाइंड कर ली। अब आप ध्यान से देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो ये हमने इक्वल करना है, अंश मतलब हर को इक्वल करना है, नीचे वाले को इक्वल करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसको हम लिख सकते हैं, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आपसे पूछी हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं सेवन अपॉन में ट्वेंटी एट, ये नंबर हमारा, और फोर्टीन अपॉन में ट्वेंटी एट ये दूसरा नंबर है। तो सेवन से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, एट अपॉन में ट्वेंटी एट, नाइन अपॉन में ट्वेंटी एट, 10 अपॉन में 28, 11 अपॉन में 28, 12 अपॉन में 28, 13 अपॉन में 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर आपने लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों इसके बीच में है ना छः परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देना कि किस प्रकार से हमने पहले इसको हर को डिनोमिनेटर को इक्वल किया और उसके बाद फिर हमने जितनी संख्या निकालनी है उससे फिर इक्वल किया इसको। तो ये जो आज हमने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे नाइन्थ क्लास के लिए भी, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अक्सर आपके एस ए वन के पी टी वन एस ए मिड टर्म जो हैं प्री बोर्ड है और फाइनल में ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझें, इससे हेल्प लें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार अपनी कॉपी में इसको लिख करके प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।